सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, इन दिस वीडियो हम बात करेंगे ऐसा कौन सा इफेक्टिव स्केड्यूल है जो हर एक नीट एस्पिरेंट को फॉलो करना चाहिए, जिससे वो तीनों सब्जेक्ट, चाहे उसका फिजिक्स है, चाहे उसका केमिस्ट्री, चाहे उसका बायो है, तीनों सब्जेक्ट्स वो एक दिन में पढ़ सकता है। चाहे वो अपने 10 घंटे पर भी वेस्ट करे, फिर भी अगर आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम है हमारा कम्पिटेटिव एग्जाम, सो आपको 10 से 12 घंटे तो आपको निकालने पड़ेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। सो इन्हीं 10-12 घंटे में आप कैसे तीनों सब्जेक्ट्स को मैनेज करते हुए चलोगे, वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंदर, ओके। ऑल्सो यार, जब वीडियो खत्म होगी तो मैं आपको 3 ट्रिक्स दूंगी जिसको यूज़ करके आप अपने डे को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। आप मतलब अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना कोई भी एग्जाम की, तो आपको वो चीज़ करनी ही करनी है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। सो यार, हम बायो से स्टार्ट करेंगे। बायो सबका फेवरेट है, जितने भी हमारे नीट वाले बच्चों, उनका सबका फेवरेट बायो होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द का। सो यार, बायो में आपको क्या करना है ना, बायो के ना आपको 3 घंटे लेने हैं, राइट। टोटल जो मैंने आपको बोला 10 से 12 घंटे, उसमें आपको 3 घंटे बायो को देने हैं। कैसे देने हैं, अब सुनो, आपको 2 घंटे उसमें थ्योरी पढ़नी है, एंड आपको उसका 1 घंटा जो है वो आपको उसमें थ्योरी, सॉरी, MCQ का देना है, ठीक है। सो आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, वो आप 2 घंटे में पढ़ो, कितना भी आपसे हो रहा है आप उतना पढ़ो, ठीक है। 2 घंटे में जितना भी हो रहा है सिर्फ उतना ही पढ़ना है, और 1 घंटा आप उसके MCQ करो। बायो हो गई, अब साइड कर, बायो के अंदर आपको समझ आ गई आपको कैसे पढ़ना है। आपको 2 घंटे आपकी थ्योरी पढ़नी है, एंड 1 घंटा आपको उसके MCQs देना है, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको इन्वेस्ट बायो में नहीं करना, बायो के अंदर आपको सबसे कम टाइम देना है, सबसे कम टाइम, सबसे ज़्यादा फोकस आपको केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पर करना है, बस। आपको बायो मतलब कम टाइम देना है एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बिकॉज बायो तो हो जाती है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स में लोग अटकते हैं, उनकी वजह से उनके मार्क्स नहीं आते, ठीक है। सो अब बात करते हैं केमिस्ट्री के। सो यार, केमिस्ट्री के अंदर आपको 4 घंटे देने। कैसे देने हैं आपको, अगेन 2 घंटे आपको थ्योरी पढ़नी है, 2 घंटे आपको MCQ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। केमिस्ट्री में आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, आप उसका थ्योरी पढ़ रहे हो, आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको 2 घंटे ही देने उसकी थ्योरी के अंदर, या आप कोई भी आप नोट्स पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। अगर आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो 2 घंटे में देखो, अगर आप चैप्टर को याद कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो भी 2 घंटे दो, उसके बाद करो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी उतनी ज़्यादा हैबिट बिल्ड होगी, और आप यही काम हमको करना है। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं, हमें अपनी हैबिट बनानी है, ठीक है, हमें एक्यूरेसी करनी है, टाइम पे वर्क करना है। सो आपको, और हाँ, जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, तो हमेशा टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो, बिना टाइमर के आप क्वेश्चन सॉल्व मत करो। इससे आपको, अगर आप टाइमर लगाओगे तो आपकी स्पीड, आपको समझ आए कि आपको स्पीड आपकी बढ़ानी है, या जो भी है बढ़ानी है ऑलमोस्ट, ठीक है, एंड आपको एक्यूरेसी के साथ करना है। सो आप दोनों काम करो, तो केमिस्ट्री में 2 घंटे आपको थ्योरी, एंड 2 घंटे उसके न्यूमेरिकल्स, ओके। सो अब बात करते हैं फिजिक्स का। तो यार, फिजिक्स कुछ अलग नहीं है केमिस्ट्री से, ठीक है। फिजिक्स के अंदर भी आपको सेम टाइम स्पेंड करना है, 2 घंटे इसका थ्योरी एंड 2 घंटे आपको उसका प्रैक्टिस। सो यार, फिजिक्स हुआ चाहे मेरा केमिस्ट्री, आपको दोनों को 4 घंटे देने हैं, बायो को आपको 3 घंटे देने। कैसे देने वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो ओवरऑल जब ऐड करोगे आपको टोटल 11 आवर्स हो रहे हैं किसी किसी को। अब आपको इतना तो यार करना पड़ेगा, मतलब इतना मिनिमम टाइम मैंने आपको बताया कि आपको इतना करना है, 11 आवर्स करो, एंड देन आपका 12 आवर्स धीरे धीरे करके आप इंक्रीज करो, ठीक है। एंड ये आपका आइडियल टाइम टेबल, इसको मतलब हर कोई फॉलो कर सकता है। अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो, आपने कुछ नहीं कर रखा, तो आप इससे स्टार्ट करो आप। और ये नहीं है, मैंने यहाँ पे देखा आपने कुछ फिक्स नहीं करा कि आपको सुबह इतने बजे उठना है, या ऐसे करना है, वैसे करना है। आप ऐसे करो कि बायो आपको मॉर्निंग पढ़नी है, दोपहर में आप फिजिक्स पढ़ लो, या फिजिक्स दोपहर में ना करो, केमिस्ट्री दोपहर में कर लो, ठीक है, एंड फिजिक्स आप शाम में पढ़ लो। आपको जैसे भी कंफर्टेबल है आप उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करो, और ऐसे आपको टाइम मैंने बता दिया कैसे आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा, जो एक प्रॉपर जो तरीका होना चाहिए पढ़ने का, जिससे आप तीनों सब्जेक्ट्स को कैसे कवर कर सकते हो, वो ओके। अब बात करें कि वो तो कौन सी, मैंने आपको बोलते जो मैंने वीडियो स्टार्ट किया, मैंने आपको बता दें कि मैं आपको 3 ऐसे टिप्स दूंगी जिससे आपका और अच्छा स्टडी में आपको हेल्प होगी, राइट। सो यार देखो, पहली जो टिप है ना हमारी, वो ये है। सो यार, पहली टिप है आपकी कि आपका कोई भी स्केड्यूल है, आपका नेक्स्ट का जो भी स्केड्यूल है, आपको उसको लिखना है एक रात पहले। जो भी आपका नेक्स्ट का स्केड्यूल है, आपको उसको एक रात पहले पूरा पेन पेपर पे लिखना है कि हाँ, मेरे को ये करना है। मतलब एक रफ आइडिया आपका होना चाहिए माइंड के अंदर। अगर रफ आइडिया होगा, ओनली देन आप उसको नेक्स्ट डे पे इंप्लीमेंट करवाओगे, ठीक है। सो ये आपको करना है, आपको अपना जो भी स्केड्यूल है उसको आपको एक दिन पहले रात में प्रिपेयर करके सो, उसको उसके बिना मत सो, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैं अगर ये काम नहीं करती थी, अगर मैं अपना स्केड्यूल प्रिपेयर नहीं करती थी नेक्स्ट डे का, तो मेरे को रात में नींद नहीं आती थी। तो मैं मतलब एक आदत बन जाती है, मतलब आप एक हफ्ते करोगे ना, उसके बाद आपकी अल्टीमेटली आदत बन जाएगी कि आप उसको बिना लिखे कि नेक्स्ट डे आपको क्या करना, आप सो नहीं पाओगे। सो इसको करो, ये बहुत इफेक्टिव है, इसको डेफिनेटली करो।
नेक्स्ट चीज़ यार जो बहुत बच्चे गलती करते हैं, वो लोग ध्यान नहीं देते इस चीज़ पे, आफ्टरनून में आपको सोना नहीं है, राइट? आफ्टरनून में बच्चे करते हैं 2 घंटे 3 घंटे सो जाते हैं. हम सबको पता है जो नीट का एग्जाम है वो हमारा उसकी टाइमिंग 2 से 5 के बीच में होती है, ठीक है? जिसमें से आपका कुछ बच्चे 12 से 2 उनके ट्रैवलिंग का टाइम जाता है. सो यार आपको 12 के बाद नहीं सोना, मतलब दोपहर में 12 बज गए आपके, 12 से 5 के बीच में आपको नहीं सोना किसी भी हालत में. आप चाहे नैप ही क्यों ना ले रहे हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको जो भी करना है 12 से पहले कर लो, ठीक है? उससे वहाँ पे आप नैप्स ले लो या 5 के बाद नैप्स ले लो. एंड यार लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टे हाइड्रेटेड. आप जब भी पढ़ने बैठते हो तो अपने साथ एक पानी की बॉटल लेके बैठो. आपको जब भी नींद आए सबको आती है, सो आप पानी पीते रहना बीच बीच में. अब इतना पानी मत पी लेना कि आप यूरिनेशन ही करने चले जाओ, पढ़ाई गई तेल लेने, ठीक है? सो आपको पढ़ते मतलब आप पढ़ो, आपको जब भी नींद आए तो आप 2-3 चीज़ें कर सकते हो. लाइक आप पानी पियो, ठीक है? एंड आप पुशअप्स मार सकते हो, सो दैट अगर पुशअप्स करोगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा. एंड अल्टीमेटली जब ऑक्सीजन आपके ब्रेन में पहुंचेगा तो आपको नींद नहीं है. ये तरीका था जिससे आप कैसे तीनों सब्जेक्ट्स को एक दिन मैनेज कर सकते हो. एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 टिप्स थे वो मैंने आपको दी. सो गाइस अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.